अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद के चतुर्थ प्रकरण अलग शांति प्रकरण के ऊपर विचार करते हुए ग्रंथकार ने अभी है अन्य अन्य वादियों के सिद्धांत में जो प्रत्येक प्रकरण दिखाया गया है तो उसको लेकर के सृष्टि के प्रकरण को वहाँ पे क्या कमी है वो दिखाते हैं। आपने शांखवादियों को पहले पकड़ा, प्रधान को उन लोगों ने अज माना, जानवर ही मानते हैं, और फिर वही प्रधान जो है प्रकृति मतलब अहम तत्व महत्त्व के रूप में पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से विरुद्ध कथन है, यदि वो उत्पन्न होता है और फिर जो है उत्पन्न नहीं है, इस प्रकार विरुद्ध कथन बोलना ठीक नहीं है। और दूसरी बात है कि आपने कार्यकरण को अभिन्न मानते हो, यदि कार्य कारण के साथ अभिन्न हो गया तो अब कार्य भी अज हो जाएगा, और यदि कारण कार्य के साथ अभिन्न हो गया तो कारण तब ज हो जाएगा, अज नहीं जाए जाएगा। इस प्रकार से आप विरुद्ध कथन करते हैं, और कार्य होगा आरोप अज होगा, ये तो हो नहीं सकते, विरुद्ध कथन। इस प्रकार अनेक दोष देने के बाद आप उनके बाद ये भी कहा कि ये जो आपने कहा जन्म रहित एक तत्व से बाकी सारे का जन्म होता है, एक दृष्टांत देकर दिखाओ, क्योंकि आप अनुमान के द्वारा अपने प्रधान को सिद्ध करते हैं तो अनुमान तो दृष्टांत के बिना सिद्ध नहीं होता, अब तो आपके पक्ष में कोई दृष्टांत ही नहीं रह जाएगा, है ना। इस प्रकार से वहाँ पे और यदि मान लो कि जन्म से जन्म हुआ तब अनावस्थ दोष आ जाएगा, तब अनावस्थ दोष आ जाएगा। इसीलिए आपके सिद्धांत में यही कमी है कि जो आपने इस प्रकार से सत्कार जो घोषित करके उससे जो सृष्टि कहा वो होना संभव नहीं है। अब जो है यहाँ पे इस आंखोवादियों का मत खंडन होने के बाद अब पूर्व मीमांसा दर्शन जो सृष्टि तत्व को मानता कि कर्म से जन्म, जन्म से कर्म, ये जो चक्र एक चक्र रूप में घूमते रहते हैं, कर धर्माधर्मादि से जन्म, जन्म हो धर्म धर्म चक्र, तो फिर कर्म, फिर जन्म, फिर कर्म, फिर जन्म, ये चक्र चलता रहता है। तो इसमें कौन पहले है बताओ, नहीं बता पाओगे, इसीलिए जो है दोनों ही नहीं है। इस बारे में आपके लिए दृष्टि बोलना चाहते हैं, हम लोग 13 तक कल पढ़ लिए थे, अब 14 शुरू होगा ना। देखिए 14 में क्या बोलते हैं कि द्वैतवादी भी अनन्य पक्ष प्रतिक्षेप मुखेण ख्यापितं वस्तुन अजन्नतम अद्वैतवादिना अभ्यनुज्ञातम इदानीं द्वैतनिरसनम् अपि श्रौतं विद्वत् अनुभव अनुसारित्वा तेन अभ्यनुज्ञातम् एव इति आह। ठीक है, द्वैतवादी भी है ना, द्वैतवादी तो सारे एक वेदांती को छोड़कर सारा द्वैतवादी से द्वैतवादियों के द्वारा अन्योन्य पक्ष प्रतिक्षेप मुखेन एक दूसरे का एक पक्ष लेते हैं, उसको तो प्रतिबिंबित विमुख विरुद्ध बना करके और उसको आक्षेप के मुख में कि जो आपने जो विरोध को दिखाया उसके द्वारा क्या सिद्ध हुआ, ख्यातितम वस्तुन अजन्नतम, ये सिद्ध हुआ कि पारमार्थिक दृष्टि से उस वस्तु का जन्म होना संभव नहीं है। ख्यापितम वस्तुन वस्तुन अजन्नतम, परमात्मा नामक वस्तु में जन्म होना संभव नहीं है। इसको क्या किया, अद्वैतवादिना अभ्यनुज्ञातम, अद्वैतवादी के द्वारा उन लोगों की जो ये परस्पर विरोध करके जिस निष्कर्ष में पहुंचा अद्वैतवादी के द्वारा उसको अनुमति में अनुज्ञा दी गई है, अभ्यनुज्ञातम। इदानीम आप क्या करना चाहते हैं, इदानीम द्वैत निरसनम अपि, ये द्वैत पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है उसको भी खंडन किया जा सकता है,
ये जो है श्रोतम और विद्वत अनुभव अनुसारित्वा, ये श्रुति सम्मत है और विद्वान के अनुभव के अनुसार है। अतः विद्वान ऐसे अनुभव करते हैं कि वेद द्वैत प्रबल है नहीं अनुसारित्वा, तेना अभ्यनुज्ञात, इसलिए उसके द्वारा भी इसको सम्मति दी गई है क्या कि वास्तविक द्वैत पारमार्थिक है नहीं, एवं इति आहविष्य को मन में रखते हुए श्लोक को बोलते हैं। यहाँ पे देखिए दो नंबर और तीन नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना। अभ्यानुज्ञात मतलब स्वीकृतम, वो जो आप लोगों ने जो है ना अभिवादम निबोधक दोनों वादियों ने मिल करके जो बोलता है जन्म होना संभव नहीं है, जन्म होना संभव नहीं है, सत्य अथवा सत का जन्म होना संभव नहीं है, असत्य अथवा असत का जन्म होना संभव नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, जन्म होना संभव नहीं है, ये हमने अनुमोदन कर दिया, इसलिए बोलते स्वीकृतम, हमने स्वीकार किया। इदानीम द्वैत निरसनम अपिदाप जो है द्वैत का खंडन भी किया जा सकता है, कैसे श्रुति और विद्वान के अनुभव के अनुसार, इसलिए बोलते हैं श्रोतम विद्वत अनुभव अनुसारित्व, श्रोतम युक्ति सिद्धम अभ्यानुज्ञात श्रुति सिद्धम अपि अनुमोदत, युक्ति के द्वारा जो सिद्ध हुआ उसको भी हमने स्वीकार किया और जो श्रुति सिद्ध है उसका हम अनुमोदन करते, श्रुति ने जो कहा यही ठीक है। अनुमति स्वीकार करना, देखिए अभ्यानुज्ञातम आपने आप ही लिखा स्वीकृतम, दो नंबर टिप्पणी में देखिए स्वीकार करना अभ्यानुज्ञातम, इसका अर्थ क्या लिखते हैं स्वीकृतम, हमने भी इसको स्वीकार किया। जब अभिज्ञान बोलते हैं ना, अभिज्ञान स्वतंत्र स्वविनियर इसको बोलते हैं, मतलब पहचानने के लिए जो ये होता है एक टोकन पहचानने के लिए, अभिज्ञान शकुंतला को दे देने वो अभिज्ञान शकुंतला, तो ये अभिज्ञान अभ्यान इसमें अभी आप अनुशब्द लगा दिया साथ में, मतलब स्वीकार किया, मतलब आप लोगों ने बोलने के बाद हमने इसको माना, ये हमारे सिद्धांत नहीं है, तुम लोगों ने ये सिद्ध कर दिया, हमारे अद्वैत बात को तुमने सिद्ध कर दिया, तो अजात बात को तुमने सिद्ध किया, दोनों बातें मिलकर यही तो बोलते रहे, क्या बोलते रहे जन्म होना संभव नहीं है, इससे जन्म होना संभव है, बस यही तो हम भी बोलते हैं ये अभ्य स्वीकृत, हमने तुम्हारे सिद्धांत को स्वीकार किया। तीन नंबर टिप्पणी श्रोतम युक्ति शुद्ध अभ्यानुज्ञात, जो युक्ति के द्वारा सिद्ध हुआ वो स्वीकार कर लिया गया, और श्रुति शुद्धम अपनी एक युक्ति और एक श्रुति है ना, पहले श्रुति है उसके बाद युक्ति, पहले युक्ति के द्वारा जो सिद्ध कर दिया उसको स्वीकार किया और श्रुति ने जो बोला उसका हम अनुमोदन करते हैं, अनुमोदन मतलब जो आपने कहा ये सही है इसलिए अनुमोदन करना, श्रुति सिद्धम अभी अनुमोदते इति अर्थ, इसलिए बोलते श्रोतम विद्वत अनुभव अनुसारित श्रुति के वाक्य अनुसार विद्वत अनुभव तेना अभ्यानुज्ञातम, इसीलिए इसको भी हमने स्वीकार कर लिया, इति आवश्यक मन में रखते हुए श्लोक में आइए। हेतोरादिफलं येष हेतोरादिफलं येष आदिहेतुः फलस्य च आदिहेतुः फलस्य च हेतोः फलस्य चानादि हेतोः फलस्य चानादि कथं तैरुपवर्ण्यते कथं तैरुपवर्ण्यते हेतोरादिफलं येषां मादिहेतु फलस्य च हेतो फलस्य चानादि कथं तैरुपवर्ण्यते। हेतु का आदि मतलब कारण कौन है, फल, हेतु का कारण है फल और फल का कारण है हेतु, इस प्रकार से दो जिस वादियों की मान्यता है, और फिर जो है मतलब क्या हो गया, हेतु का कारण फल है मतलब फल से हेतु की उत्पत्ति होती है और हेतु और हेतु से फल उत्पत्ति होती है, तो दोनों को उत्पत्ति होते देखा जाता है, हेतु से फल की उत्पत्ति होती है, फल से हेतु की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार दोनों से मतलब धर्माधर्म से शरीर और शरीर से धर्माधर्म आदि, जब दोनों की उत्पत्ति देखी जाती है, ये संसार क्या है, ये मतलब हेतु फल से ही पूरा संसार बना हुआ है, फल का क्या हो जाएगा, ये संसार को आप अनादि कैसे कह सकते हो, वो तो सब आदि वाला हो गया, इसीलिए बोलता है हेतु और फल सच, वो हेतु का और फल दोनों का जो ये अनादि है ये कैसे बोल सकते हो, दोनों उत्पत्ति हुए दिखाई दे रहे हैं, कथम ते रूप वर्णते उन लोगों के द्वारा ये कैसे कहा जाता है, उन लोगों के द्वारा कैसे कहा जाता है, ये इसका भी श्लोक का अर्थ हो गया। अब देखिए यहाँ पे टीकाकार क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हेतु हेतु फलात्मक संसार, सारा संसार में क्या दिखाई दे रहा है, कार्य कारण भाव दिखाई पड़ता है, ये कार्य है ये कारण है, ये कारण है ये कार्य है, हेतु फलात्मक मतलब सारा संसार इस कार्य कारण भाव से जुड़ा हुआ है, इसलिए बोलते हैं हेतु फलात्मक संसार,
अनादिर इति बदे, और ये हेतु और फल दोनों को उत्पत्ति होते हुए सामने दिखाई दे रहा है, शादी है और इसी के इसी से बना हुआ संसार अनादि है, ये कैसे बोल सकते हो? जिससे संसार बना है वो शादी है और जो बना है वो अनादि है, ये कैसे हो सकता है? इसलिए बोलते हैं हेतु फलात्मक संसार अनादि इति बदद भी, इस प्रकार बोलने वाले वादियों के द्वारा तस् अनादि स्वभाव नहीं नैव वक्तुं शक्यते, मतलब संसार अनादि है, इस प्रकार स्वभाव वाला अनादि स्वभाव वाला मतलब इसका आदि नहीं देखा जाता है, इस प्रकार स्वभाव वाला संसार है ये तुम बोल नहीं सकते हो, नैव वक्तुं शक्यते, बोलने के लिए संभव नहीं है, बोला नहीं जा सकता है, ये अभिप्राय है। हेतु फलयोर आदिमत्तस्य कंठोक्तत्वात्, क्योंकि हेतु और फल दोनों ही शादी है, दोनों ही शादी है, हेतु भी शादी है, क्योंकि हेतु कहाँ से उत्पन्न होता है? फल से उत्पन्न होता है, आपने कहा, और फल कहाँ से उत्पन्न है? हेतु से उत्पन्न होता है, तो दोनों ही आदिमान है, दोनों ही शादी है, तो अनादि कैसे हो जाएगा? इसलिए बोलता है हेतु फलयोर आदिमत्तस्य, हेतु और फल दोनों का आदिमान, आदिमान मतलब बिगिनिंग, इट्स हैविंग ए बिगिनिंग, हेतु और फल दोनों का आरंभ होता है, इसीलिए बोलते हैं कि हेतु फलयोर आदिमत्वस्य, जो उसका अंदर जो आपने आदिमत वाला आपने माना, क्योंकि कंठोक्त तद अपने शब्दों से आपने कहा, क्या होता है हेतु से फल उत्पत्ति होते हैं, फल से हेतु उत्पत्ति होते हैं, ये तुम्हारे सिद्धांत है, धर्म धर्म से शरीर, शरीर से धर्म धर्म इसी प्रक्रिया चलते हैं, दोनों आदि है, इसे कंठोक्त तत्व, अतः हेतु फलात्मकम द्वैतम अनिरूपितम अनिरूपित रूपम अवस्तुभूतम इति अर्थ, क्या बोला? हेतु फलयोर आदिमत्तस्य कंठोक्तत्व, हेतु और फल दोनों आदि वाला ऐसा तुम अपने शब्दों से कहा, अतः आपने स्वीकार कर, अतः इसलिए हेतु फलात्मक द्वैत में जो हेतु और फल वाला जो द्वैत प्रपंच दिखाई दे रहा है ना, ये जो अनिरूपित रूपम, इसको निरूपण नहीं किया जा सकता, इसको सदरूप में असत रूप में आदि रूप में अनादि रूप में निरूपण नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप बोलते हैं अनिरूपितम अवस्तुभूतम, अनिरूपितम मतलब इसको सत असत किसी भी रूप में निरूपण नहीं किया जा सकता, इसीलिए सत असत विलक्षणत्म मिथ्यात्म, ये जो अवस्तुभूतम ये जो है ये वस्तुभूत पारमार्थिक नहीं है, वस्तुभूत मतलब पारमार्थिक नहीं है, इसलिए बोलते हैं पांच लक्षण दिया था ना उसमें अद्वैत सिद्ध मिथ्यात्व का, तो उसमें जो है ज्ञान निवर्तकत्व मिथ्यात्व सदस्य प्रतिपन्न उपाधोक्त त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित मिथ्यात्व, इस प्रकार से मिथ्य की परिभाषा दी है। यहाँ पे जो बोलना है इसलिए हेतु फलयोर आदिमत्तस्य कंठ उक्तत्व, हेतु और फल दोनों की शादी आदिमान है, इस प्रकार तुम अपने शब्दों की तरह स्वीकार करने के कारण, अतः इसलिए हेतु फलात्मक द्वैत में हेतु फलात्मक जो कार्यकरण वाला जो संसार दिखाई पड़ता है अनिरूपित अनिरूपित रूपम, इसको निरूपण नहीं किया जा सकता, ये सत असत रूप में इसको निरूपण नहीं कर, अनिरूपित रूपम इसलिए अवस्तुभूतम, इसको निरूपण नहीं किया जा सकता सत रूप और असत रूप में, इसलिए कि ये पारमार्थिक वस्तु नहीं है, ये अभिप्राय है, इति अर्थ इसका अभिप्रेत अर्थ है। यहाँ पे चार नंबर और पांच नंबर के ऊपर में दिखाई पड़ रहा है ना कंठ उक्तत्व, अतः अतः मतलब साधित्व, आपने अपनी किया स्वीकार किया, फल भी उत्पन्न होता है और हेतु मतलब धर्म धर्म भी उत्पन्न होता है, तभी तो शरीर बदलता रहता है, ये धर्म धर्म नया उत्पन्न नहीं होता तो शरीर कैसे बदलता है, कपड़ा कैसे बदलता है, फिर अनिरूपित रूप मतलब अनिर्वचनीय है ना, इसको सत रूप में भी निर्वचन नहीं किया जा सकता है, असत रूप में भी निर्वचन नहीं किया जा सकता, क्यों? सचेत न बद्धते असचेत न प्रतीयते, यदि सत होता तो बाधित नहीं होता, यदि असत होता तब इसकी प्रतीति नहीं होती, परंतु ये इसकी प्रतीति भी होती है और बाधित भी हो जाती है, सृष्टि की प्रतीति भी होती है बाधित भी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे इसी को हम मिथ्या बोलते हैं, इसको हम मिथ्या बोलते हैं, इसलिए पांच नंबर टिप्पणी अनिरूपित रूप अनिर्वचनीय मिथ्या। अब जो है श्लोक से तात्पर्य आह, अब भगवान भाष्यकार इस श्लोक की तात्पर्य अभी प्रेतत्व भगवान भाष्यकार श्रुति क्या है जत्र तुवस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येत् केन कं विजानीयात्, इस प्रकार से भूमा विद्या में आया हुआ है, तो जत्र तुवस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येत् केन कं विजानीयात, छांदोग्योपनिषद् शब्द मात्र
तो ये मैत्री ब्राह्मण में भी आया है। तो यहाँ पे यत्र तु सर्व आत्मै भूत इति परमार्थ तो द्वैत अभाव, पारमार्थिक दृष्टि से क्या हो गया, सब आत्मरूप हो गया, मतलब भेद नहीं है, सब आत्मा ही मात्र है। परमार्थ तो द्वैत अभाव श्रुत्या उक्त, श्रुति के आधार पर बोल रहे हैं, ठीक है ना, युक्ति के द्वारा पुष्ट किया, श्रुत्या उक्त, श्रुति के द्वारा ऐसा कहा गया है। तम आश्रित इस श्रुति वाक्य को आश्रय करके, इस श्रुति वाक्य को आश्रय करके मतलब द्वैत प्रपंच पारमार्थिक नहीं है, आह यहाँ पे ये कहा जाता है, उसी को आश्रय कर, अस्तित्व मतलब कार्य करणात्मक द्वैतस्य दुर्निरूपणत्वम्, उसके निरूपण नहीं किया जा सकता सदसत रूप में, इसको मन में रखते हुए ये कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अब श्लोक के अर्थों को देखिए बोलते हैं, पहला शब्द क्या लिखा है, सेकंड लाइन में फर्स्ट वर्ड फलस्य च अनादि, नहीं मतलब इसमें श्लोक को मैं नहीं बोल रहा, भाष्य जहाँ पे मैं पढ़ रहा था उस भाष्य के सेकंड लाइन में पहला शब्द धर्मादि। अच्छा यहाँ पे हेतु में कौन सा विभक्ति है, षष्ठी, जब वो षष्ठी है तो इसका जब अर्थ करेंगे तब उसका आपको षष्ठी में लिखना पड़ेगा, यानी कि धर्मा धर्मादेह जोड़ना पड़ेगा। किसके पुस्तक में संशोधन किया हुआ है, नहीं है, तो वहाँ पे क्या हे तो धर्मा धर्मादेर आदि पे कि धर्मा धर्मादेह वो विसर्ग था आगे आदि है, तो वहाँ पे जब धर्मा धर्मादेह आदि सुमे तुम्हारे पुस्तक नहीं करे शंकर, हे तो धर्मा धर्मादि तो इसका जगह क्या लिखेंगे, हे तो धर्मा धर्मादेह हाँ ये है, हाँ हमारा किताब में है धर्मा धर्मादेह ना दी नहीं, वो तो दी तो प्रथम हो गया, वो आदि अलग है, मूल में देखिए हेतु और आदि, ठीक है ना, हेतु शब्द का अर्थ क्या करती है, धर्मा धर्मादेह, हेतु क्या है धर्मा धर्म का, ठीक है ना, तो आदि का षष्ठी बन आदि, अच्छा धर्मा दे उसके बाद आदि, उसके बाद जैसे ऊपर धर्मा धर्मादे आदि बीच में एक दो एकर देके रायका देना पड़ता है, हाँ धर्मा धर्मा दे रा एक धर दो में एकर की मात्रा रो में आकर या आकर उधर आ जाएगा, धर्मा धर्मा दे किस पढ़ने में आ रहा है, जो लिखा आपने आप पढ़ रख के लिखा तुम, नहीं क्यों नहीं लिखा, लिखो पुस्तक जो है उसको संशोधन कर दो उसको, हे तो धर्मा धर्मा दे रादि ही, हाँ हे तो हो धर्मा धर्मा दे रादि, देखा ना ये आदि मूल में है शब्द, विसर्ग नहीं होगा, विसर्ग लोप, विसर्ग लोप नहीं, हे तो धर्मा धर्मा देह, वहाँ पे ऊपर देखो ना हे तो रादि लिखा हुआ है, मूल में देखिए इसी प्रकार ही धर्मा 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 देह रादि, द में इकार की मात्रा ध अकृत, र में आकार की मात्रा फिर दी, दी तो है, दी है वहाँ पहला जो वर्ड है सुतोक्त स्तोत्रमाश्रित्या आहो, जो आ है एक अश्रिता में आ है और यहाँ पे भी आ है, नहीं आह मतलब दो अवग्रह है वहाँ पे, दो अवग्रह इसका पहले आ है, अश्रित्य आह अश्रित्य अश्रित्य है वो आश्रय करके फिर कहा गया है, तो वहाँ पे दो अवग्रह लगा दी आहो की आह, इसीलिए दो अवग्रह लगे थे, पहले प्रक्रिया नहीं थी तो बाद में लगा। अच्छा तो आपका क्या हो गया, मूल में है हेतु हो, उसका अर्थ क्या कर दिया, धर्मा धर्मा देह, हेतु मतलब क्या होगा आपका धर्मा धर्म जो अलग हमारे पूर्ववर्तित कर्म है, धर्मा धर्म जो भी हमने मतलब निषिद्ध कर्म और भीत कर्म इसी को धर्मा धर्म बोलते हैं, तो उसी से मतलब उसी का हेतु, हेतु का आदि, अब आदि शब्द का अर्थ कर दिया कारणम, आदि शब्द पे हम अर्थ करते हैं कारणम, ठीक है ना, मतलब हेतु और मतलब धर्मा धर्मादि का जो कारण है, धर्मा धर्मादि का कारण क्या है, देहादि संघात, धर्मा धर्मादि करने के लिए आपको देहादि संघात चाहिए, तो दीजिए देहादि संघात, वो फल जैसा वही तो फल रूप है, धर्मा धर्मादि का फल भी वही है, पर ये सामवादी नंदिनवादी ऐसा कहते हैं, ठीक है, हे तो धर्मा धर्मादि
आदि, आदि मतलब हो गया कारण, कारण क्या हो गया, देहादि संघात कार्य करण संघात है, वही फल रूप है किसका, देहादि का मतलब धर्म धर्म का फल तो वही है, जिस वादि के मत में ये सिद्धांत है, इसलिए सामवादी नाम ये तो आदि फलम जेशाम, जेशाम मतलब जेशाम वादी नाम, तथा ठीक उसी प्रकार से आदि हे मूल में देखिए आदि हेतु फल सच, ऊपर में भी देखिए एक षष्ट्यंत है प्रथमांत, पहला पद में, पहला पद में एक षष्ट्यंत है प्रथमांत, द्वितीय पद में भी एक षष्ट्यंत है प्रथमांत, वहां पे हेतु प्रथमांत हो गया और फल आपका षष्ट्यंत हो गया, और पहले हेतु षष्ट्यंत था फल प्रथमांत था, समझ में आ रहा है आपको, पहला पद और द्वितीय पद में थोड़ा ध्यान से देखिए विभक्ति को पूरे अर्थ निर्भर करते हैं, ठीक है, पहला पद में हेतु हो षष्ठी फल प्रथम, और द्वितीय द्वितीय पद में क्या है हेतु प्रथम फल षष्ठी, यानी कि जो फल का हेतु है मतलब आदि है ना, फल का जो आदि मतलब कारण है, वो कारण क्या है हेतु, हेतु मतलब धर्म धर्म, फल क्या हो गया शरीर, फल हो गया शरीर, तो क्या हो गया धर्म धर्म जैसे शरीर, और शरीर से धर्म धर्म, धर्म धर्म से शरीर, शरीर से धर्म धर्म, इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे तथा आदि मूल में देखिए आदि है पहले, आदि मतलब कारण, ठीक है ना, और हेतु, हेतु मतलब है धर्म धर्म आदि, ठीक है ना, ये धर्म धर्म आदि का कारण क्या है, फल सच देहादि संघात है ना, फल मतलब हो गया देहादि, तो देहादि संघात का देहादि संघात कारण धर्म धर्म आदि, देहादि जिसको अन्य कंट कर जाएगा देहादि संघात कारण धर्म धर्मादि, और धर्म धर्मादि कारण देहादि संघात, ठीक है, धर्म धर्मादि कारण देहादि संघात, देहादि संघात कारण धर्म धर्मादि, ठीक है, इसे भी यहाँ पे बोला तथा आदि कारण हेतु धर्म धर्मादि फल सच देहादि संघात, देहादि संघात का कारण हो गया धर्म धर्म, इस प्रकार से क्या हो गया कि धर्म धर्मादि से शरीर और फिर शरीर से धर्म धर्म, इस प्रकार एक क्रम आपका पूर्व मीमांसा दर्शन समाधान दिया, सांख्यवादी के सिद्धांत सही नहीं है, वहाँ कैसे हो सकता है, ये जो है सृष्टि के पीछे कारण क्या है धर्म धर्म आचरण है ना, उसी से कर्म होता है, फिर कर्म से धर्म होता है, शरीर से ये चक्र चलता रहता है, पंचाग्नि विद्या में इसको बार अच्छी तरह से समझाया, अपने आप श्रुति बोलते हैं तस्मा जुगुप्सेत है ना, इससे घृणा भय हो जाना चाहिए, कहीं हमने स्वर्ग में गया आके फिर रमणीय चरण रमणीय योनिमा पद्धति कपूर्य चरण कपूर्य योनिमा पद्धति, यदि आपको स्वर्ग फल भोगने के बाद बचा हुआ कर्म में अच्छा कर्म है तब तो आपको थोड़ा मनुष्य योनि स्वर्ग प्राप्त, और यदि मतलब बचा हुआ कर्म आपका खराब है तो आपको कुत्ता शोर आदि योनि भी मिल सकता है, ऐसा श्रुति अपने आप बोलती है, इसीलिए तस्मा युगुप युगुप तो यहाँ पे फिर तो तथा आदि कारणम हेतु धर्मा धर्मादि फलस्य च देहादि संघातस्य एवं इस प्रकार से हेतु फलयोः इतर इतर कार्य करणं तेन है ना, हेतु हो गया धर्म धर्मादि, फल हो गया शरीर, फल फल हो गया हेतु, अब धर्म धर्मादि हो गया फल कार्य है ना, मतलब इस प्रकार से इतर इतर कार्य कारणत्वम, एक दूसरे एक कार्य है दूसरा कारण है ना, कारण जब धर्म धर्म आदि होगा तब फल हो जाएगा कार्य हो जाएगा शरीर, अब शरीर जब आपका कारण होगा तब वो धर्म धर्म हो जाएगा फल, शरीर धर्म का उत्पन्न करते हैं एवं इस प्रकार से, एक नंबर टिप्पणी देखिए एवं मतलब आदिमत्ते सति क्या है, धर्म धर्म आदि का भी उत्पत्ति हो रहा है और शरीर का भी उत्पत्ति, दोनों आदिमान है, धर्म धर्म आदि आदिमान है, शरीर भी आदिमान है, इस प्रकार से दोनों आदिमान होने के फलस्वरूप हेतु फलयो हेतु और फल दोनों का इतर इतर कार्य करते ना, एक दूसरे के लिए कारण बनता है और एक दूसरे का फल भी बनता है, एक दूसरे का कारण भी बनता है एक दूसरे का फल भी बनता है, कार्य करते ना आदिमत्तम ब्रुवद भी रे, यानी कि जब फल तो उत्पन्न होता है, जब धर्म धर्म आदि उत्पन्न होता है तो आदिमान हुआ, और जिस समय शरीर उत्पन्न होता है उस समय भी आदिमान हुआ, इसलिए दोनों ही तो आदिमान हुआ, तो अनादि कैसे बोलते हो, पूरा संसार जो है कार्यकरण भाव से जुड़ा हुआ है और कार्य और कारण दोनों ही जो है आपका आदि वाला है, तो संसार अनादि कैसे हो जाएगा, ये बोलते हैं यहाँ पे एवं हेतु फलयो इतर इतर कार्य करण तेन आदिमत्तम दुबद भी, ये कोई आदिमान है इस प्रकार बोलने वाले के द्वारा ही हेतुस्य फलस्य च अनादित्तम, हेतु भी अनादि है
फल भी अनादिच अनादित्व कथम तेर उपवर्णते, कैसे उन लोगों के तरह कहा जाता है, सामने दिखाई दे रहा है, अपना भी बोल रहे हैं कि जो है धर्म धर्मादि के कारण शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर से फिर धर्म धर्मादि उत्पत्ति होता है, इसी प्रकार कार्य करण भक्ति जुड़ा हुआ संचार अनादि कैसे हो सकता है, कैसे बोल देते हैं वो लोग विपरीत सिद्धम इति, ये जो विरुद्ध कथन है इति अर्थ इसका विपरीत करते हैं। नहीं नित्यस्य कूटस्थस्य आत्मन हेतु फलात्मता संभवती है ना, इस क्योंकि देखो ये जो है हमारे यहाँ के श्रुति ने क्या कहा कि सदैव संवेदम अग्रासी अथवा आत्मा वेदम अग्रासी ब्रह्म वेदम अग्रासी, वहाँ पे क्या बोला एकमेव अद्वितीय सजातीय विजातीय सगत भेद से रहित एक नित्य कूटस्थ गति, और नित्य कूटस्थ में नित्यस्य वेद वेदांतिक शब्द मूल आदिकरण क्या है कूटस्थ नित्य है, और सांख्य में क्या है परिणामी नित्य है, विरुद्ध कथन है परिणाम कूट क्या कूट मतलब जो स्थित है तो हमेशा एक रूप रहता है, सामान्य रूप में कूट शब्द का अर्थ होता है जो वंचना करते हैं कुटिल इस शब्द होता है, और इसको कूट शब्द का हम अर्थ करते हैं माया, और कूटस्थ इस माया के पीछे जो बैठा हुआ जो माया से संबंध जिसका नहीं रखता कूट शब्द होता है स्थित एनफील एनफील जिसको बोलते हैं ना जिसको ऊपर कमर सारा के पीट पीट के उसके ऊपर पीटते हैं पर उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, ठीक है ना, ये आत्मा हो गया कूटस्थ एनफील के स्थान में उसके ऊपर माया पीट पाट के सारा संचार बनाता है फिर तो आत्मा बिल्कुल ऐसे भाग ये कूटस्थ बोलते हैं। और देखो ईश्वर कौन है मायाधीश है वो कूट के ऊपर बैठा हुआ इसलिए ईश्वर ये कूटस्थ लक्षण है संबंध शिष्य आचार्य तथैव च पितृ पुत्र आत्मन भेद, तो इस आत्मा में इतना भेद करके व्यवहार करता है गुरु शिष्य कार्य करो पिता माता भ्राता सखा, एक आत्मा में इतना सारा भेद बुद्धि उत्पन्न करके कब करते हैं स्वप्ने जागृति जेश पुरुष माया परिभ्रामित, यही पुरुष जो स्वप्न और जागृत काल में माया के कारण से इस प्रकार भेद बुद्धि से व्यवहार करता है वही दक्षिणा बुद्धि, वही दक्षिणा बुद्धि, इसलिए आप बोलते हैं कि नित्यस्य नित्यस्य कूटस्थस्य आत्मन हेतु फलात्मता न संभवति, नित्य कूटस्थ आत्मा में हेतु रूप तथा फल रूप दोनों ही होना संभव नहीं है, इसलिए उनके सिद्धांत जो है एक शुद्ध शास्त्र शास्त्र ने बताया कि शास्त्र क्या था यत्र तु अस्य सर्वमात्मै भावो है ना, इस समय शुद्ध तो एक आत्मभाव में हो जाता है वहाँ पर कोई व्यवहार नहीं होता वहाँ पर द्वितीय प्रपंच है नहीं व्यवहार कहाँ से होता है क्योंकि आत्मा कूटस्थ नित्य वस्तु है, यहाँ पे देखिए टीका का भाष्य हो गया छोटा छोटा भाष्य यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो है ना भाष्य में देखिए पहले लिखा जत्र तु अस्य सर्वम आत्मै भावः परमार्थ द्वैत अभाव श्रुत्या उक्तः, ठीक है ना, इस प्रकार द्वैत प्रपंच के पारमार्थिक अभाव है ऐसा श्रुति के द्वारा कहा गया है, फिर आगे लिखा है तम आश्रित्य इस श्रुति सिद्धांत को आश्रय करके, इस श्रुति सिद्धांत को आश्रय करके ये तम आश्रित्य इस पद का अर्थ लिख रहे हैं टीका का मिला टीका में टीका में देखिए फोर्थ लाइन राइट हैंड कॉर्नर तम आश्रित्य कार्य कारण आत्मकस्य दैत्यस्य दूर निरूपत्वम आह इति योजना, क्या दिखा है वहां पे जो है श्रुति उक्तम श्रुति नगर का तम आश्रित्य आह उसको आश्रय करके कहा जाता है, क्या कहा गया है क्या कहता है तम आश्रित मतलब कार्य कारणात्मक दैत्य शुद्ध निरूपणत्म कार्य कारणात्मक जो जगत दिखाई पड़ता है इसको निरूपण करना कठिन होता है, उसको किसे निरूपण सत अथवा असत रूप से निरूपण करना कठिन पड़ता है सत से विलक्षण है उसे बोलते हैं इति योजना इति योजना, ऐसे यहाँ पे समझना पड़ेगा कार्य कारणात्मक दैत्य सारा दैत्य प्रपंच कैसा दिखाई पड़ता है कार्यकारण रूप दिखाई पड़ता है, इस कार्यकरणात्मक जो जो दैत्य प्रपंच दिखाई पड़ते इसका निरूपण करना कठिन है क्योंकि ना कार्यात्मक है ना आत्मा, एक ही आत्मा में कार्यकरण भाव की कल्पना करते हैं व्यवहार करते हैं पिता है वह कारण पुत्र हो गया कार्य है ना, इसी प्रकार से कहाँ भेद किया हमने आत्मा में ऐसा भेद किया ये गुरु ये शिष्य ये भी भेद आत्मा में किया गया, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कार्यकरणात्मक दैत्य आवृत्ति योजना इसको मन में रखते अन्वय करते हैं, फिर आगे बोलते हैं हेतु फलयोः आत्मपरिणामत्वात्
आदिमत्तम उपादान रूपेण च अनादित्तम इति आशंक आत्मन निरक्षस्य कूटस्थस्य नित्यस्य परिणाम अनुपपत्ते मैवम इति आह। देखिए मतलब कार्य रूप में वो अनित्य रहेगा और कारण रूप में नित्य रहेगा यदि हम ऐसा कहें तो। जैसे एक ही वृक्ष के अवच्छेद मतलब शाखा अवच्छेदक में कभी है और मूल अवच्छेदक में कभी नहीं है, जो विरुद्ध धर्म है एक ही जगह में हो जाएगा। हम कहते हैं पेड़ में बंदर बैठा हुआ है तो बोलते ऐसी बात नहीं है, शाखा में बंदर है पेड़ में मूल में नहीं है, एक ही साथ दो चीज हो सकते हैं। इसी प्रकार ऐसे भी वहाँ पे बोल रहे हैं हेतु फलयोः, हेतु और फल दोनों का आत्म परिणाम किसका परिणाम है, आत्मा का ही परिणाम है, हेतु भी आत्मरूप है फल भी आत्मरूप उसका ही परिणाम है। आदिमत्तम वो आदिवाला हो गया, आदिमत्तम उपादान रूपेण च अनादि, प्रकार कार्य रूप में तो वो आदिमान है और उपादान रूप में अनादि हो जाएगा, क्योंकि आप वहां पे क्या बोलते हैं एक वो आदि वाला भी है अनादि वाला, कार्य आदि वाला होगा और जो उपादान अनादि होगा, ऐसा क्यों नहीं मानते हो, कार्य आदि वाला होगा और उपादान अनादि होगा ऐसा। परंतु जो भी कोई उपादान है वो भी तो कहीं ना कहीं आया हुआ है, इसीलिए आप बोलते हैं हेतु फलयोर आत्म परिणामत्वात् आदिमत्तम उपादान रूपेण च अनादिमत्तम, वो हेतु फल रूप में तो वो क्या हो जाएगा आदिमान, हेतु और फल जो है आत्मा का परिणाम है कारण, तो आत्मा क्या हो जाएगा आदि वाला हो जाएगा उस अवस्था में हेतु, और आत्मा जब कारण रूप में रहेगा तो अनादि हो जाएगा है, इसलिए बोलते हैं उपादान रूपेण अनादित्व इति आशंक। इस प्रकार को शंका करता है एक ही आत्मा आदिमान भी मतलब विकारी भी होगा अविकारी भी होगा, कारण रूप में देखेंगे तो अविकारी है और कार्य कारण भाव में देखेंगे तब वो विकारी है, ऐसा प्रकार क्यों नहीं मान सकते हो एक ही आत्मा में, बोलता है ये जो विरुद्ध धर्म एक ही धर्म में कभी भी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता इति आशंक। आप यदि सावय वस्तु होगा, यदि सावयव वस्तु होगा तो उसका एक देश में विकार हुआ एक देश अभिकारी रहेगा, परंतु निर अवयव वस्तु में ऐसा होना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि आत्मन निर अंशस्य मतलब निर अवयवस्य, ठीक है ना, आत्मा जो अवयव रहित है कूटस्थस्य नित्यस्य, ठीक है ना, जो कूटस्थ नित्य वस्तु है जो कूटस्थ नित्य निरंशस्य कूटस्थ नित्यस्य आत्मन, ये चारों षष्ठी है, षष्ठी वर्ण है, इसका परिणाम अनुपपत्ते, कूटस्थ नित्य भी बोलेंगे और परिणाम भी होगा तो हो ही नहीं सकता, कूटस्थ नित्य वस्तु परिणाम होगा ये तो हो ही नहीं सकता, मैं भी हो नहीं सकता इति आह। इसी को मन में रखते भगवान भास्कर बोलते हैं नहि नित्यस्य कूटस्थस्य आत्मन हेतु फलात्मता संभवति, हेतु फल आत्मना संभव नहीं है। तो छः नंबर और सात नंबर टिप्पणी है ना यहाँ पे, हेतु फलयोर आत्म परिणामत्व, हेतु और फल आत्मा का परिणाम रूप है वो आदिमत्तम हो जाएगा, वो आदिमान हो जाएगा, और उपादान रूपेण च आत्मा जो उपादान रूप में रहेगा केवल तब वो अनादि हो जाएगा। इस प्रकार हम क्यों नहीं कह सकते हैं कि हमें छः नंबर टिप्पणी में उपादान रूपेण मतलब आत्म रूपेण जब अपने भाव में रहेगा तो एक ही वस्तु अपने भाव में रहेगा। जैसे देखो ना इस प्रकार हम लोग ध्यान आदि करते हैं तो अपने भाव में रहते हैं तो हम अभिकारी रहते हैं, जैसे जगत में तो इंद्रियों के तरह व्यवहार कर देता हूँ विकार हो जाते मन में, ऐसा हो जाएगा होता कि नहीं होता, क्या बोला मैं एक आत्मा में अभिकारित्व विकारित्व दोनों हम अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ सही बोल रहे हो, मैं क्या बोला जब ध्यान आदि करते हैं तो आत्मा अभिकारी है और जब हम इंद्रियों के तरह व्यवहार करते हैं तब आत्मा अभिकारी होता है, ऐसा क्यों नहीं मान सकते हो, आप बताओ इसमें मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, ये तो भाष्यकार मानने के लिए तैयार नहीं है तो क्या गलती हो रहा है मुख्य चीज यहाँ पे गलती है ना, ध्यान आत्मा में है ना क्रिया आत्मा में है, आप ध्यान भी आत्मा में नहीं, वो दोनों ही मन की बात है, दोनों ही मन की बुद्धि की बात है, सधि स्वप्न बोलती है अपने आप बुद्धि के साथ तादात्म करके बुद्धि तो स्थिर हो जाए तो आत्मा ध्यान करता है, आत्मा ध्यान किया, आत्मा में ना ध्यान है ना अध्यान है, आत्मा ना तो क्रिया है ना कोई ध्यान है, उपाधि में है वो, उपाधि में है, उपाधि का धर्म आत्मा में आरोप करके बोलते हैं और सुनने से लगता है कि हाँ ये तो ठीक बोल रहे हैं, भाष्य का सीधा सीधा बोलते हैं नहीं ये ठीक नहीं आता, व्यधिकरण को देख लो कहाँ पे हो रहा है ये क्रिया है ना यहाँ पे, इसलिए सब शब्दों ने तो थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे ना तो लगेगा ये कैसा बोल रहा है, हमारे मन में तो ये बैठा हुआ है, हेतु फलयोर आत्म परिणामत्व, हेतु और फल दोनों ही आत्मा की परिणाम होने का आदिमत्तम आदि वाला है,
और उपादान रूपेण जनादिमत्तम, उपादान रूप से अनाद्य इति शासन को आत्मा में ही, आत्मा विकारी होगा अविकारी भी होगा ऐसा हम कोई नहीं मान सकते हैं। तो विकार अविकार दोनों ही आत्मा में नहीं बोला जाता, उसके लिए दोनों शब्द विकार अविकार दोनों ही उपाधि के धर्म है, क्योंकि आत्मा कूटस्थ नित्य वस्तु है, कूटस्थ नित्य वस्तु है, निरंसार, क्यों आत्मा निरअवय वस्तु है। यदि सावय वस्तु होता ठीक है तो एक देश को पका के आपने खा लिया, दूसरे देश को अपने बचा के रख लिया, परंतु यहाँ पे ऐसा होना भी संभव नहीं है। अच्छा मान लो आपने दूध में दही जमाने के लिए जामुन डाल दिया आपने, तो जिस हिस्से में आपने जामुन डालेगा उतने हिस्से में दही बनेगा कि पूरा दही बन जाएगा, पूरा ही दही बन जाता है, क्योंकि निरवय है, पूरा एक साथ होता है, यहाँ पे एक देश में होने वाला नहीं है वस्तु। और आत्मा जो है यहाँ पे क्या है कि दही पूरा के पूरा मिल गया, चलो वहाँ पे हमें सावय वस्तु है परंतु हमें पूरा मिला हुआ है, इसलिए वहाँ पे एक ही मानना पड़ेगा। इसलिए अब होता है आत्मन निरंशस्य कुटस्थस्य नित्यस्य, आत्मा जो निरवयव रहित है, जो कुटस्थ नित्य है, उसका परिणाम अनुभवते, कुटस्थ नित्य भी होगा परिणाम भी हो जाएगा, ये कहना व्यागात दोष है, हम नहीं मानते हैं माई गम, ऐसा होना संभव नहीं है। इतिहास छः नंबर टिप्पणी में उपादान रूप में आत्मा रूप में, सात नंबर होता है आत्मन निरंशस्य, ये आत्मा शब्द आत्मनोति व्यापनोति इति आत्मा, आत्मा की परिभाषा जो है भगवान वासुदेव का लिंगो पुराण से दिया हुआ, जच्चाप्नोति यदा दत्ते जच्च अति विषयानि जस्य चास्ति संततेर्भाव तस्मात् आत्मा इति कीर्तते। जच्च अति जो खाते हैं सबको, जच्च आदत्ते विषयानी जो सारा विषय को ग्रहण करते हैं, जस्य चास्ति संततेर्भाव जो पूरा अल्प अल्पी में पूरा है, तस्मात् आत्मा इति कीर्तते, अधातु से अस धातु से फिर आपलि धातु से कई धातु से आत्मा शब्द बनते हैं। तो आत्मा शब्द में चार, आपनोति मतलब व्यापनोति, जो जो आपनोति का मतलब खाता नहीं, आप व्यापनोति सबको व्याप्त किया है, आपने मतलब प्राप्त किया है, तो सबको प्राप्त किया, सबको आपने घेरे में ला रखा है, आपनोति व्यापनोति इति आत्मा, एक परिभाषा दिया केवल, जो सबको खाता है, जो सबको अपने में समझता है, जो सबको व्याप्त करके रखा अंदर बाहर से, जच्च अति विषय जस्य चास्ति संतते भाव, जिसका पूरा जहाँ पे विषय है वहाँ भी है, जहाँ नहीं है वहाँ भी वो है, सत्य पूर्ण रूप से व्यापक है, तस्माद आत्मा इति कृते लिंग पुराण का श्लोक भगवान भाष्यकार कठोपनिषद में उद्धृत किया है। शब्द का अर्थ करते वहाँ पे आपनोति देखिए द्विपोषक लगा दिया, आपनोति शब्द का अर्थ करते समय एक द्विपोषक लगा दिया, मतलब व्याप्त कर दिया जिसने इति आत्मा, जो सबको व्याप्त करके रखो वो आत्मा है, विभु मतलब व्यापक है, सच नील अवयव वो व्यापक भी है और नील अवयव है, एव इति आशयना, नील अवयवी है वो सावयव नहीं है, ये मन में रखते हुए व्याख्या करते हैं, व्याचष्टे निरंशस्य इति कूटस्थ नित्यत्व हेतु है, आत्मा कूटस्थ नित्य है क्योंकि वो विभु है और निरंश है ना, इसीलिए कूटस्थ नित्य में यही हेतु है, विभु है और अवयव रहित है, इसीलिए वहाँ पर कोई विकार होना संभव नहीं है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार जो है आप जो हेतु फल के द्वारा संसार सृष्टि की आप प्रक्रिया दिखा रहे थे, आत्मा में तो ये होना संभव, पारमार्थिक उत्पत्ति होना संभव नहीं है, क्योंकि सृष्टि के आदि तत्व रूप में आत्मा को ही दिखाया गया। मतलब ये 14 श्लोक में वेदांती लोग पूर्व मीमांसा वाली को खंडन किया, पूर्व मीमांसा दर्शन जो हमारा जन्म मृत्यु के लिए धर्म 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 से जन्म मृत्यु, हम हमारा सिद्धांत क्या है, जन्म होना संभव नहीं है, और उनका सिद्धांत क्या, धर्म धर्म से जन्म अजन्म से धर्म धर्म, इस प्रकार चलता रहता है, ये सिद्धांत तो खंडन होता है, क्योंकि धर्म होने संभव ही नहीं है जन्म, तब उसको पूछ रहे भाई तुम बता कौन पहले है, धर्म धर्म पहले है कि कर्म पहले है, शरीर पहले है कि धर्म धर्म पहले है, क्या पहले है, उत्तर नहीं दे पाते, इसीलिए दोनों ही नहीं है, दोनों कल्पना है, ऐसा मान करके यद्यपि हम बोलते हैं कि ठीक है जो अज्ञान दशा में अध्यारो प्रक्रिया में संसार अनादि प्रभाव रूपेण अनादि हम मान लेते हैं, प्रभाव रूपेण अनादि हम मान लेते हैं, परंतु जो है पारमार्थिक हमारे यहाँ पे सृष्टि होना संभव ही नहीं है। अब आगे देखिए और बोल रहे हैं, हेतु फलयो अन्योन्यम आदिमत्तम ब्रुवता तद आत्मकस्य संसारस्य अनादित्तम विप्रतिषिद्धम इति उपपादितम्। इसके पहले श्लोक में क्या दिखा कर आया, हेतु और फल है ना, हेतु और फल इन दोनों का अन्योन्यम आदिमत्तम, एक दूसरे के लिए कारण बनता है तो आदि वाला हो जाता है,
मतलब फल जो है हेतु के लिए आदि वाला मतलब कारण बनता है और हेतु जो है फल के लिए आदि वाला बन जाता है। इस प्रकार से जो है दोनों ही आदिमान होने के कारण हेतु फलयोर अनन्य आदिमत्तम ध्रुवता, इस प्रकार बोलने वाले के द्वारा मतलब पूर्व में बोल रहे हैं तदात्मकस्य संसारस्य मतलब कार्य कारण भाव से भरा हुआ है संसार, इस संसार का अनादित्व, जबकि जिस कार्य मतलब आपने हेतु और फल दोनों को साधी माना और हेतु और फल से बना हुआ है संसार अनादि कैसे हो सकता है, इसलिए बोलते हैं तद आत्मकस्य संसारस्य अनादित्व, उस प्रकार हेतु फल आत्मा के संसार जो है अनादि है, इस प्रकार प्रतिषिद्धम ये जो है विरुद्ध कथन है इति उपपादितम, इसको हमने इसके पहला श्लोक में प्रतिपादन करके दिखाया प्यार, तो क्या प्रतिषिद्धम उसको दृष्टांत के द्वारा भी कहेंगे यहाँ प्यार। हेतु फलयोर अन्योन्यम आदिमत्तम, वहाँ पे तीन नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना, अन्योन्यम कार्यत्व दोनों ही कार्य रूप है, जो कार्य होगा वो आदिमान होगा अनुनाशुभन भी होगा, इसलिए बोलते हैं आदिमत्तम मतलब कार्यत्व ध्रुवता तदात्मकस्य तदम मतलब हेतु फलात्मकस्य संसारस्य, ठीक है ना, पूरा संसार कार्यकरण भाव से हेतु फलात्मक रूप है, संसारस्य अनादित्व अनादि है, ये जो है विप्रतिषिद्धम विरुद्ध कथन है कि प्रतिपादितम, इसको मैंने युक्तिपूर्वक प्रतिपादन करके दिखाया। पांच नंबर टिप्पणी विप्रतिषिद्धम अपि हेतु फलोर व्यक्तोर साधित्येन संसारस्य अनादित्व, ये जो है ना विप्रतिषिद्धम अपि इसका अर्थ लिखना है, क्या बोलते हैं हेतु फल व्यक्ति और एक हेतु व्यक्ति और एक फल व्यक्ति, एक हेतु कारण नमक एक वस्तु और एक फल नमक वस्तु, हेतु व्यक्ति और फल व्यक्ति, इन दोनों जो क्या हेतु फल व्यक्ति और साधित्य न दोनों उत्पत्ति होता दिखाई दे रहा है, हेतु का भी उत्पत्ति होता है फल का भी उत्पत्ति होता है, साधित्य न संसारस्य अनादित्व, परंतु ये जिससे संसार बना है वो तो साधी है, मतलब जो बना है वो अनादि है, ये कैसा हो सकता है, इसलिए बोलते हैं संसार समय तक ये विरुद्ध कथन है, ये विरुद्ध इसलिए बोलते हैं यहाँ पे विप्रतिषिद्धम इति उपपादितम, इसका हमने प्रतिपादन करके दिखाया, ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलते संप्रति कार्य कारण भाव अपि तयोर न संभवति, हेतु और फल में जो आप देखें कार्य कारण भाव जो कह रहे हो ना, इन दोनों का होना संभव नहीं है, यदि इसको संभव मानोगे तब क्या हो जाएगा, पुत्र से पिता की उत्पत्ति हो जाएगी, क्यों, इस धर्माधर्म के फल स्वरूप ये शरीर उत्पन्न हुआ, अब शरीर के द्वारा फिर हम धर्माधर्म को उत्पन्न कर रहे हैं, धर्माधर्म के फल स्वरूप शरीर उत्पन्न हुआ, अब शरीर के द्वारा फिर धर्माधर्म आचरण कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, ये पिता से पुत्र उत्पन्न हुआ, अब फिर पुत्र से पिता उत्पन्न हो जाएगा, इसीलिए इनमें कार्यकारण भाव होना संभव ही नहीं है, इसीलिए कार्यकारण भाव होना संभव नहीं है, संप्रति कार्य कारण भाव अति, अब जो है ये कार्य कारण भाव की इस आत्मा में अखंड एक निरवयव एक रस आत्मा में कहीं भी कार्य कारण भाव होना संभव ही नहीं है, होना संभव ही नहीं, इसलिए सृष्टि होना भी संभव नहीं है, इसलिए तयोर न संभवति, तयोर मतलब क्षण हेतु फल हो, ठीक है ना, हेतु और फल में आपस में कार्य कारण भाव होना ही संभव नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में से कोई एक स्वतंत्र रूप से सिद्ध होता ही नहीं है, स्वतंत्र रूप सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप तैरना संभवति के आभाव इसी को मन में रखते आप श्लोक में आ जाइए। हेतोरादि फलम येष, हेतोरादि फलम येष, मादिर्हेतु फलस्य च, मादिर्हेतु फलस्य च, तथा जन्म भवेत्तेषां, तथा जन्म भवेत्तेषां, पुत्रात् जन्म पितुर्यथा, पुत्रात् जन्म पितुर्यथा, हेतोरादि फलम् येषां, आदिहेतु फलस्य च, तथा जन्म भवेत्तेषां, पुत्रात् जन्म पितुर्यथा, पहला लाइन तो पहले उसको कह के हाँ हेतुरादि फलम येषां आदि हेतु फलस्य च की लाइन है, देखो ही अर्थ है, मतलब ये क्या हो गया हेतु का मतलब धर्मा धर्मादि का कारण हो गया शरीर, फलम मतलब शरीर, किसी प्रकार जिन शिवादियों के मत में और आदि हेतु फलस्य अर्थात शरीर का कारण हो गया आपका धर्मा धर्मादि, इस प्रकार से जो लोग बोलते हैं तो उसका कथन में क्या व्याघात हो जाएगा, तथा जन्म भवे, जैसे मतलब जन्म होता है, कैसे जन्म होता है,
पुत्र जन्म पितु, जिस प्रकार पुत्र से पिता का जन्म होता है इस प्रकार उनका कथन ऐसा हो जाएगा। पुत्र जन्म पितु यथा, जिस प्रकार पुत्र से पिता का जन्म होना संभव नहीं है इसी प्रकार यहाँ भी कार्य का अभिप्राय यही है। मतलब उनका कथन से ये हो जाएगा कि पुत्र से पिता का जन्म होता है, परंतु जैसा ये होना संभव नहीं इसी प्रकार यहाँ पे इस प्रकार कार्यकरण भाव होना भी पारमार्थिक संभव नहीं, अभिप्राय यही है। ये तो तथा जन्म भवेत्य सन्, यथा जिस प्रकार पुत्र से पिता का जन्म होना संभव नहीं है उसी प्रकार से इस प्रकार ये कारण से कार्य की उत्पत्ति अथवा कार्य से कारण की उत्पत्ति ये भी होना संभव नहीं है। एक नंबर टिप्पणी में देखिए पुत्र जन्म पितुर यथा, एक नंबर टिप्पणी है मूल भी पुत्र जन्म इत्यादि अन्यो अन्यो अनन्यो कारणवादे ही जहा व्यक्ति जस्सा कारणम तस्सा एव तत् कार्यते पुत्रात् पितृ जन्मवत् तत्स। ठीक है, देखिए अन्यो अन्योन्य कारणवादे, अन्योन्य कारणवादे हेतु और फल, मतलब धर्मा धर्मा शरीर शरीर से धर्म एक दूसरे के लिए कारण कार्य भाव है। अन्योन्य कारणवादे ही यदि आप ऐसा मानोगे जहाँ व्यक्ति यस्सा कारणम है ना, जो व्यक्ति जिसका कारण है, जो व्यक्ति मतलब धर्माधर्मादि व्यक्ति शरीर के लिए कारण है। ठीक है ना, तेरे जहाँ व्यक्ति जो व्यक्ति मतलब धर्माधर्म यस्या कारणम जिसका कारण होता है, जो व्यक्ति जिसका कारण होता है। ठीक है ना, तो धर्माधर्मादि हो गया शरीर का कारण और फिर शरीर क्या हो गया धर्माधर्मादि के कारण। इसलिए जहाँ व्यक्ति यस्या कारणम तस्या एव तत् कार्यते, मतलब जो व्यक्ति के लिए जो कारण बन गया ये व्यक्ति इसका कारण है, ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति का कारण है, उस व्यक्ति का कारण तस्सा एव तत् कार्यत्व, फिर ए नामक व्यक्ति बी का कार्य बन गया। ठीक है, जस्सा व्यक्ते यत् कार्य, इस ए नामक व्यक्ति का जो कार्य है इस कार्य से फिर ए उत्पन्न हो गया। इसलिए बोलते हैं जस्सा व्यक्ति है जा व्यक्ति जस्सा कारणम, जो व्यक्ति जिसका कारण है धर्माधर्मादि नामक व्यक्ति क्या शरीर का कारण है। अब वही धर्माधर्मादि तस्य एव तत् कार्य, तो वही धर्माधर्मादि यदि शरीर का कार्य बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे इतना सारे प्रोनाउन है ना, अब एक किसी एक को लेकर के अर्थपरिता हो जाएगा। जहाँ व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति कौन व्यक्ति धर्माधर्मादि व्यक्ति किसका कारण है, वो शरीर का कारण है। इसलिए जहाँ व्यक्ति यस्य कारणम, जो व्यक्ति जिसका कारण है तस्य एव उसी व्यक्ति का ही तत् कार्यत्व, वही व्यक्ति क्या हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा एक शरीर का कार्य बन जाएगा। तत्कार्यते क्या हो जाएगा पुत्रात् पितृ जन्मवत्, जैसे पुत्र से पिता का उत्पन्न हुआ इस प्रकार से तत्स्य ये घटना ऐसे ही हो जाएगा। नहीं लग रहा है घट से मुक्ति का हो जाएगा। ये जो है देव जस देखिए जहाँ व्यक्ति जस्सा कारणम, इसमें किसी एक को ले लीजिए आप, जहाँ व्यक्ति धर्म धर्म दे लीजिए अथवा शरीर लीजिए, शरीर से धर्म धर्मादि उत्पन्न होता है, तो शरीर नामक व्यक्ति धर्म धर्मादि के लिए कारण है। अब वही धर्म धर्मादि शरीर उत्पन्न होता है, यदि ऐसा कहोगे तब क्या हो जाएगा पुत्र से पिता की उत्पत्ति ऐसा मानना पड़ेगा। यहाँ पे बोलते हैं जहाँ व्यक्ति यस्या कारणम तस्या एव तत्कार्यम, वही व्यक्ति यदि उसका कार्य बन जाता है तब क्या हो जाएगा पुत्रात् पितृ जन्मवत्, पुत्र से पिता के जन्म के समान तत्स्य को ऐसा स्थिति हो जाएगी। अन्यस्य तथा तेतु अन्न अन्न कारणवाद भज्जेत इति भाव, मतलब क्या क्या अन्नस्य अन्नस्य मतलब दूसरे का तथा तेतु अनन्य कारणवाद भज्जेत, तब कहते यदि ऐसा होता है तो अनन्य कारणवाद मतलब पिता पुत्र के लिए कर पुत्र पिता के लिए कर अनन्य कारणवाद हो जाएगा ये सिद्धांत करता है। सत्कार जो आप नहीं रह पाओगे अथवा जो है आपका जो है धर्म पूर्व मीमांसा दर्शन ऐसे ही मानते अन्नस्य अन्नस्य मतलब दूसरा किसी का तथा मतलब किसी एक का यदि ऐसा होता है तो अन्न कारणवाद भज्जेत, तब कहते अनन्य कारणवाद मतलब कह जाएगा अनन्य कारण मतलब ए के लिए बी कारण बी के लिए ए कारण, ये सिद्धांत हो जाएगा आपका अनन्य कारण मतलब इसको बोलते हैं भज्य तो इस बात अनन्य आश्रय दोष हो जाएगा, अनन्य आश्रय दोष हो जाएगा यही कहें अभिप्राय यही अनन्य आश्रय दोष हो जाएगा कहना चाहते हैं। अच्छा देखिए इसके ऊपर छोटा सा टीकाकार क्या बोलते हैं तयोरना संभवती, हमने वहाँ पे इसका हेतु फलयोर अनोन्यम आदिमत्तम ध्रुवता तदात्मक संसार अनादित्यम विप्रतिषितम उपपादितम संप्रति, वहाँ पे तीन चार पाँच हमने टिप्पणी को पढ़ लिया था।
ठीक है। अब संप्रति कार्य कारण भावो अपि तयोर्मध्ये न संभवती है ना, उन दोनों में कार्य कारण भाव होना संभव, अनन्नास का दोष से घर ग्रसित हो जाए कार्य कारण भाव होना संभव नहीं। इसके बोलते हैं संप्रति, आप क्या कहना चाहते हैं, कार्य कारण भावो अपि, उन दोनों में कार्य कारण भाव तयोर, तयोर मतलब चार नंबर हेतु फल, हेतु और फल है ना, धर्माधर्मा या शरीर भी आपस में जाए, इसमें कार्यक्रम भाव होना भी संभव नहीं है, न संभवती। उसके लिए श्लोक पढ़ लिया था, हेतु फलयोर अन्योन्यतम कारणत्म अभ्युपगच्छद, हेतु और फल में आपस में एक दूसरे के लिए कारण बनते हैं, इस प्रकार मानने वालों के द्वारा अभ्युपगच्छद भी अभ्युपगम्यते विरुद्धम इति, वो विरुद्ध मतलब विरुद्ध कथन को मान्यता दे दिया, अभ्युपगम्यते विरुद्धम इति एतत् प्रश्न पूर्वक प्रकट है, इसी को जाए प्रश्न उठा करके सिद्ध करते हैं। हेतु फलयोर अन्योन्यम कारणत्म, हेतु और फल एक दूसरे के लिए कारण बनते हैं, इस प्रकार मानने वालों के द्वारा अभ्युपगच्छद भी अभ्युपगम्यते विरुद्धम, इस प्रकार मानने वाला क्या मान्यता दे दिया, विरुद्ध कथन को मान्यता दे दिया, विरुद्धम अभ्युपगम्यते विदिति एतत् प्रश्न पूर्वक, इसी को प्रश्न पूर्वक उठा करके दिखाते हैं, प्रकटयति कथम तैर विरुद्धम अभ्युपगम्यते, उन लोगों के द्वारा विरुद्ध मान्यता कैसे दे दिया गया, यदि ऐसा प्रश्न करता उच्यते, सुनो कैसे, हेतु जन्यात एव फलात, हेतु से उत्पन्न हुआ जो फल उसी फल से, हेतु जन्यात एव फलात, ठीक है ना, हेतु से उत्पन्न हुआ जो फल उसी फल से हेतु और जन्म अभ्युपगच्छत, हेतु का उत्पन्न हुआ, इस प्रकार मानने वाला विभक्ति को देखिए अर्थ सुधा लगेगा, हेतु जन्यात एव फलात, हेतु से उत्पन्न हुआ जो फल उसी फल से हेतु और जन्म, इस हेतु का उत्पन्न हुआ, जिस हेतु से फल उत्पन्न हुआ उसी फल से वही हेतु उत्पन्न हुआ, इति अभ्युपगच्छताम तेषां ईदृशं विरोध उक्त, इस प्रकार मानने वाले का इस प्रकार का विरोध कथन होता है, भवति यथा, किस प्रकार विरोध होता है, जैसे ईदृश बोलन उसका अर्थ करता जाता, पुत्र जन्म पितुः, जैसे पुत्र से पिता को उत्पत्ति, ये विरुद्ध कथन होता है, ठीक ऐसे यहाँ भी ऐसा ही दोष आ जाएगा। इसी में देखिए कथम प्रश्न, ठीक है, में एक लाइन है वहाँ पे, ईदृशतम एव मतलब वहाँ पे तेषाम ईदृश विरोध मुक्त, इस प्रकार का विरोध उनका हो जाता है, उनका सिद्धांत में ऐसा विरोध होता है, क्या विरोध होता है, पुत्र से पिता को उत्पन्न हो गया ऐसा विरोध हो जाता है, इसलिए बोलता है ईदृशतम एव, भाष्य में आया जो ईदृशत्व उस ईदृशत्व की व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार, कैसा विरोध होगा, इस प्रकार की विरोध हो जाएगा, किस प्रकार की विरोध होगा, जैसे पुत्र से पिता की उत्पत्ति जैसे विरोध होगा, इसलिए बोलते हैं विषदयति यथा यथा पुत्रा जन्म पितुः, जैसे पुत्र से पिता का जन्म, पुत्रात् पितुः जन्म, पितु में कौन सा विभक्ति वचन है, षष्ठी, पितु जन्म, ठीक है, अधिक भी रखेंगे, ठीक है, करते हैं आज तीसरा वाला वर्ष, यत् प्रज्ञालोकाशा प्रतिहरि अभमः शान्तस्तु महान्धकारो